पुत्री माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शैल पुत्री माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। पर्वत राज हिमालय के घर लेके जन्म ये आई, शिला की पुत्री होने से ये शैल पुत्री कहलाई। दाएं हाथ में लिए हुए है माँ शिव का त्रिशूल, बाएं भुजा में माता की सजता है कमल का फूल। वृषभ वाहन है माता का बड़ा निराला है, रत्न जड़ित है मुकुट शीश और गले में माला है। शैल पुत्री माता का जो भक्त भी ध्यान लगाए, वैवाहिक जीवन उसका तो खुशियों से भर जाए। पहला रूप ये माँ दुर्गा का सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का आता है जब जब पावन त्योहार, पहले नवरात्रि में इन्हें ही पूजता है संसार। शैल पुत्री की पूजा जो मन से करते हैं, अन्न धन के भंडार सदा भक्तों के भरते हैं। होते हैं मजबूत इरादे जिनके नेक विचार, शिला की तरह ही होता उनका आधार। शिव की प्रिया है माता और शक्ति का है ये रूप, नौ दुर्गा में है पहला माँ शैल पुत्री रूप। किस्मत वाले होते हैं जो इनको ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। जन्म का नाम तो इनका माता सती कहलाया, राजा दक्ष की थी पुत्री भोले संग ब्याह रचाया। एक बार ऋषि मुनियों ने मिलकर के यज्ञ किया, राजा दक्ष को भी ऋषियों ने यज्ञ में बुला लिया। राजा दक्ष का किया सभी ऋषि मुनियों ने सम्मान, लेकिन शिव शंभु ने दिया ना उनकी ओर कोई ध्यान। सोचा दक्षिण मैं तो हूँ शंकर के पिता समान,
लेकिन शिव ने मुझे देख कर किया नहीं प्रणाम। राजा दक्ष इस बात को मन से भुला न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। एक बार फिर राजा दक्ष ने महायज्ञ करवाया, भेज निमंत्रण सभी देवताओं को है बुलवाया। लेकिन राजा दक्ष के मन में शिव के लिए है द्वेष, सती और शिव शंभु को कोई भेजा ना संदेश। माता सती को पता लगा तो शिव से लगी है कहने, महायज्ञ का आयोजन मेरे पिता लग करने। बोले शिव शंभु के हमें वहाँ ना बुलवाया है, राजा दक्ष की ओर से न्योता ना कोई आया है। बिना बुलाए मेहमान हम नहीं बनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। लेकिन सती ने यज्ञ में जाने की ली है ठान, सोचा ना के वहाँ पे जाने पर होगा अपमान। ले आज्ञा वो शिव शंकर की यज्ञ में आई है, खुद उनकी बहनों ने ही फिर हंसी उड़ाई है। लेकिन देख सती को उनकी माँ ने गले लगाया, फिर तो सती ने यज्ञ भूमि को देखना है चाहा। सब देवों के लिए बना था बैठने का स्थान, राजा दक्ष ने शिव शंभु का नहीं रखा पर ध्यान। ना ही अपनी पुत्री से वो नजर मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। माता सती ना सह पाई शिव शंभु का अपमान, बोली पिता से भुगतना होगा आपको अब परिणाम। सभी देवता आपने तो है यज्ञ में बुलवाए, शिव शंकर को भूल गए क्यों याद नहीं आए। हुआ यज्ञ आरंभ ये लेकिन पूरा ना हो पाए, यत्न है पिता श्री तुम जितने भी चाहे। हवन कुंड में माता सती ने कर लिया आत्मदाह, देख सभी घबराए हैं अब जाने होगा क्या। कौन सी लीला जाने भोलेनाथ दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नौराते में इनके
रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। जो भोले को वो क्रोध में भर के आए, जलती हुई सती को है हाथों में लिया उठाए। तीसरा नेत्र भी खुल गया, वो लगे है तांडो करने, थर थर लगे कांपने, सब तो लगे कोप से डरने। ब्रह्मा जी ने की विनती, विष्णु जी से है आन, आप निकाले विष्णु जी इसका कोई समाधान। अपना सुदर्शन विष्णु जी ने दिया है फिर तो छोड़, जलती हुई सती के अंग तो बिखरे चारों ओर। भोले लेकिन शांत अभी भी ना हो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। वीरभद्र को भोले ने अपनी शक्ति से बनाया, भद्र काली रूप सती के क्रोध से है ये आया। करने लगे संहार वो दोनों सामने जो आए, शिव का जो अपमान करे वो कैसे बच पाए। वीरभद्र और काली ने है बदला सबसे लिया, राजा दक्ष का शीश काट कर धड़ से अलग किया। ब्रह्मा जी फिर भोले से ये करने लग विनती, माफ करो हे भोले दक्ष ने कर दी है गलती। भोले तो भोले हैं आखिर मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। राजा दक्ष को भोले ने फिर दे दिया जीवन दान, भोले के चरणों में फिर तो दक्ष गिरे हैं आन। अश्वमेघ यज्ञ भी तो है फिर पूरा करवाया है, लेकिन अपनी सती को भी भोले ने गवाया है। कहने लगी है सती मैं अगले जन्म में मिल जाऊंगी, पर्वत राज हिमालय की जब पुत्री बन आऊंगी। फिर तो हिमालय की पुत्री माँ बनकर है आई, शैल पुत्री इसी जन्म में है वो कहलाई। इसीलिए तो पहले इनके रूप को ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार।
सब रूप यूं तो भाते हैं भक्तों को। प्रथम दिन जिस रूप की पूजा नौराते में हो, शैल पुत्री उसी रूप को भक्तों कहा जाए। माता अपनी कृपा भी भक्तों पे है बरसाए। हंस राज रेलहन के लिए भी आज घड़ी सुबह आई। शैल पुत्री माँ की महिमा डियस पाल ने गाई। मात शारदे की कृपा हुई मुझ पे बड़ी अपार। महिमा वर्णन कर पाया ये फौज सुरेश कुमार। कथा को सुनने वाले सब उत्तम फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नौराते में माँ के रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए।